मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट टाइम न्यूज़ पे। इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे सलमान खान के करीबी को लेकर। जी हाँ, बता दें कि सलमान खान के लिए ये एक बुरी खबर है जिसमें उनके करीबी को लेकर यहाँ अस्पताल में भर्ती होने की खबर आई है। बता दें कि सलमान खान की फिल्म बॉडीगार्ड में सुनामी सिंह का किरदार निभा चुके रजत रवैल को आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि उनके दाएं पैर में से नसें फट जाने की वजह से काफ़ी ज़्यादा खून बह गया। फिलहाल रवैल अब ठीक है और रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी मिलने वाली है, लेकिन हालत काफ़ी ख़राब ही है। फिलहाल अब खून बहना रुक गया है जो कि पैर के वेरिकोस वेंस में निकल रहा था और मेरे घाव भी भर रहे हैं। उन्होंने कहा, मुझे डॉक्टरों ने बेड रेस्ट करने की सलाह दी है, साथ ही मुझे किसी से मिलने से भी मना किया है। मैं जल्द लीलावती अस्पताल के सीनियर सर्जन डॉक्टर पंकज पटेल से मिलूंगा, इनसे मैं सर्जरी को लेकर सेकेंड ओपिनियन लूँगा ताकि आगे इसके आधार पर इलाज करवा सकूँ। जी हाँ, रॉयल ने बताया कि अब वह बेहतर फील कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपनी प्रार्थनाओं में याद रखने की अपील की है और जो लोग भी उन्हें लेकर चिंतित हैं उन्हें शुक्रिया कहा है। रजत रवैल के हॉस्पिटल में भर्ती होने की खबर सुनकर उनके फैंस बेचैन हो गए थे, हालांकि उनके ठीक होने की खबर सुनकर अब चैन की सांस ले रहे हैं। रजत रवैल को आखिरी बार वरुण धवन और सारा अली खान की फिल्म कुली नंबर 1 में देखा गया था। वह कई कलाकारों के साथ काम कर चुके हैं। रजत अक्सर फिल्मों में कॉमेडियन का किरदार निभाते हैं, हालांकि अपने भारी वजन के चलते वह काफ़ी परेशान भी रहते हैं। रजत और सलमान खान भी काफ़ी अच्छे दोस्त ही हैं। उन्होंने फिल्म बॉडीगार्ड में सुनामी सिंह के अपने किरदार से लोगों का दिल जीत लिया था। वह साल 2013 में सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 7 का भी हिस्सा रहे हैं। इसके अलावा वह पुलिसगिरी, जुड़वा 2 और देसी मैजिक जैसे फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। अब देखना यही है कि कब तक उनकी हालत ठीक होती है और सलमान खान का इस पर क्या रिएक्शन आता है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़।